पे है और काफी अच्छी लग रही है। बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा, मतलब यार पूरे घर में लगाने का सोच रहे हैं, पर्टिकुलर एक रूम में नहीं। मैं एक बार ना निधि को वीडियो कॉल करके उससे और पूछ लेता हूँ। मैं निधि को वीडियो कॉल किया था और सारी टाइल्स वगैरह दिखाई, उसको पता है क्या पसंद आया उसको? हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस मेरी स्माइल से समझ गए होंगे, कल का व्लॉग जिस जिसने देखा उन्होंने देख लिया, एंड में थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया था जस्ट बिकॉज यार मुझे मतलब मेरे जो आइडियाज थे वो कोई करने ही नहीं दे रहा था, मेरे जो प्लान थे वो कोई करने ही नहीं दे रहा था। तो गाइस जस्ट ये व्लॉग अपलोड हुआ, अपलोड होते ही पावर ऑफ सोशल मीडिया, मतलब यार आप सब मेरी ताकत हो, आपके कमेंट से आपके सजेशन से। शायद निधि को भी लगा, तो निधि का जस्ट अभी कॉल आया और उसने बोल दिया कि जा कर ले अपने मन की, जो तेरे को टाइल्स लगवानी है वो लगवा ले। तो यार ठीक है चलता है, थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ था बट अब सब ठीक है, अब जा रहा हूँ एक बार क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना कल सुबह लेबर आ जाएगी और 8 बजे से टाइल्स लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी मैं जाके ना कुछ टाइल्स देख आता हूँ। अभी क्या है निधि के घर से ना देख लो, मैंने 6 पेटी आपको दिखाई दे रही होगी यार, दिखाई दे रही है नहीं दे रही? दिख जाएगी यार, विश्वास होगा ना, ले ली, मतलब कि 6 पेटी ले चुका हूँ, अब 6 पेटी लेके जा रहा हूँ। निधि की अभी भी कंफ्यूजन थी तो वो कह रही थी यही वाली अच्छी है, तो अगर मिलती है तो ठीक है यार, नहीं तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, फिर यही वाली लगवा ले। रात को जा रहा हूँ, अब पता है क्या हिसार में ना यार कर्फ्यू भी लगने लग गया, मतलब रात को 11 से सुबह शायद 5 बजे तक हरियाणा में शायद पूरे में। चलो यार शॉप तो ओपन है, अब देखता हूँ गाड़ी खड़ी करने की जगह। आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे डिजाइन जो अपन पहले लेके गए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला है जो लेके गए हैं और ये वाला मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा पसंद आया था बट यार ये भी इतना ज्यादा नहीं कि होटल्स वोटल्स में अच्छा लगता है, बट घर में थोड़ा या तो दरवाजे वगैरह का भी थीम वैसा ही हो तो ठीक है, मुझे ये ठीक लगा था डिसेंट, इससे तो बहुत अच्छा लगा था। और बाकी मैं बता देता हूँ और डिजाइन दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं, भैया ने दिखाए हैं काफी सारे। ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये भी थोड़ा, ये भी सिंपल सोबर सा देख रहा था मैं, देखो ये वाले भी, ये इस टाइप के भी ठीक लगते हैं बट इसमें एक सिंगल कलर भी है, बट एक रीजन ये है कि ये ग्लोसी में है तो इसमें ना अगर लाइट होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये वाले कलर भी नहीं, ये वाले देखो यार ये भी हैं, अच्छे हैं नो डाउट, मुझे ये भी ठीक लगा था कि हाँ। और इससे भी बढ़िया सिंपल सोबर मैं और दिखाता हूँ आपको जो पसंद आएंगे ना यहाँ पे, देखो ये वाले भी हैं बट ये यार रूम में थोड़े अच्छे नहीं लगते, ये हैं किचन विचन के वॉशरूम वगैरह के हैं। ये देखो ये वाले भी अच्छे हैं, ये वाले डिज़ाइन भी अच्छे हैं भी। आप और बता रहे थे ना, बोले कि नया डिजाइन आ रहा है कोई लेटेस्ट, वो वाले कहाँ? ये लगा, अच्छा वो सैंपल है यहाँ? हाँ जी। अरे वाह, कौन सा वाला बता रहे हो? ये वाले, हाँ सही है, ये अच्छा है। ये क्या मतलब कैसा बनेगा, मतलब सिंगल पीस लगेगा या फिर ये एक टाइल है, कैसे है ये? ये आप सारा तो ये भी लगा सकते हो। अच्छा मतलब खाली ये भी लगा सकते हैं या फिर ये वाला भी ना? हाँ। अच्छा है ये मैट फिनिशिंग में और अच्छा लगेगा, जो क्योंकि उसमें ऑफ वाइट पेंट किया हुआ है तो ये भी अच्छा लगेगा। इस नेल्स को इग्नोर करना, मैं आज जाते ही काट लूंगा। ये अवेलेबल नहीं है, सैंपल के तौर पे है और काफी अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा, मतलब यार पूरे घर में लगाने का सोच रहे हैं, पर्टिकुलर एक रूम में नहीं। मैं एक बार ना निधि को वीडियो कॉल करके उससे और पूछ लेता हूँ। फोटो मैंने क्या है, निधि को वीडियो कॉल किया था और सारी टाइल्स वगैरह दिखाई, उसको पता है क्या पसंद आया उसको? मैं आपको बता देता हूँ, मतलब सारी दिखाई उसको, वो ग्रे वाला तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्लियर मना कर दिया कि वो नहीं, उसको ऐसे ऐसे कलर पसंद आ रहे थे, मतलब उसको थोड़ा सा होता है ना, जैसे पहले तो ये वाली थी जो उसको पसंद आई थी, उसके बाद उसको सेकंड ये वाली पसंद आई है, बट इसमें यार थोड़ा सा ना कमरे में अंधेरा हो जाएगा और थोड़ा तड़क भड़क, क्लब वगैरह में अच्छी लगती है यार ये, लेकिन घर में पूरे घर में मतलब एक रूम में भी नहीं, प्रॉपर एक दीवार पे भी नहीं, पूरे में ही लगाना है। तो अब निधि ने फाइनल किया है जो मैंने उसको बताया ना ये वाला, तो वो कह रही है ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, थोड़ा इसमें कल्चर भी दिखा रखा है, थोड़ा थीम भी है, तो अब ये वाली बोल रही है कि ये वाली ले आओ। तो चलो यार पहले वाली से तो बेटर है ये, उससे वो ठीक है, थोड़ा सा दरवाजे भी ब्राउन है तो उसमें थोड़ा ब्राउन फील भी आएगा, ग्रे के साथ इतना अच्छा नहीं लगेगा बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो अब ये वाली करवा रहा हूँ मैं भैया से, इसमें भैया बता रहे हैं कॉम्बिनेशन बन जाएगा नीचे की दो, या तो ये कर सकते हैं एक ये और फिर एक ये, या फिर ये कर सकते हैं नीचे दो ये लगवा के एक ये, ऐसे इस टाइप से। तो मैं इनसे अभी 6 पेटी मैं रिटर्न करने लेके आया था, तो 6 पेटी ही लेके जा रहा हूँ। 5 फुट में सर वन बाय वन हो जाएगा, पहले ये प्लेन, ठीक है, उसके बाद कल्चर, ठीक है, कल्चर प्लेन, ठीक है, हाँ फिर यही वाला ठीक है। गाइस ले लिए हैं टाइल्स वगैरह भी, अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि फिर यार यहाँ कर्फ्यू लग जाता है ज्यादा लेट हो जाए तो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज है 29th of December यानी कि वेडनेसडे आज, और मैं आपको बता देता हूँ यार आप कई दिनों से देख रहे होंगे मैं यही ड्रेस डाल रहा हूँ, मतलब यही स्वेट शर्ट डाल रहा हूँ क्योंकि यार मैं इसको ना थोड़ा रफली यूज ले रहा हूँ, और जो काम मैं कर रहा हूँ ना आजकल उसके लिए दिवाली वाले जो कपड़े होते हैं ना
वो भी इनफ है। तो अभी बस चल रहा हूँ, एक बार नहीं दिए घर पे कुछ काम है टाइल्स वाइल्स, और आपको कल की अपडेट बता देता हूँ। कल आपने देख लिया होगा टाइल्स एक तो मैं ले आया था, और आज काम थोड़ा खींचते हैं यार। कईयों के कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ थोड़ा जल्दी करवाओ, थोड़ा इतना लेट नहीं होता, इतना डिले नहीं होता, तो आज चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा न्यू ईयर तक सब कुछ पूरा फाइनल मेक ओवर दिख जाए। तो सबसे पहले तो मेरी YouTube फैमिली, थैंक यू सो मच दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच कल के लिए। कल आपने जो मुझे सपोर्ट किया, और सच में उस सपोर्ट की ना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ दिन के लिए। मतलब मैं मेरी लाइफ में ना बहुत अहम डिसीजन, बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स होती हैं जो वो करने जा रहा हूँ, और थोड़ा डर भी होता है एक नई शुरुआत करने में, लाइफ की सेकेंड इनिंग्स वगैरह। तो उस चीज़ के लिए अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी थोड़ी सी। और पता है क्या, कुछ चीज़ें मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपकी हर डिमांड, हर सजेशंस, हर चीज़ पूरी होगी, हर चीज़ कंप्लीट होगी। और सेम वैसे ही है यार, अब मतलब वो टाइम आ चुका है, फाइनली वो टाइम आ चुका है। अब आपके जो भी सजेशंस है ना, रोज कमेंट सेक्शन में डालोगे आपको क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए। मतलब कि मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, शुरुआत में करूँगा एक दो दिन में, जैसे भी टाइम लगता है ना मम्मी से, मम्मी का थोड़ा सा बोलते हैं ना मेकओवर वगैरह, कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने हैं मम्मी में, मतलब कि थोड़ा वो अपना ध्यान रखें ताकि कोई नेगेटिव कमेंट्स ना आए, वो चीज़ बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो अब मैं इसकी जिम्मेवारी ले रहा हूँ मम्मी का, मैं बहुत जल्दी, मतलब जो भी सजेशंस आपके होते हैं ना, डेफिनेटली मैं बहुत हर डिसीजन आपका माना जाएगा, आपके हर सजेशंस माने जाएंगे। तो गाइस गो फॉर इट, अपने शुरू कर दो, जो जो आपको चाहिए ना, जो जो चेंजेस चाहिए वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ रैंप सा बना दिया, और आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर का दिखा देता हूँ। जो फाइनल टाइल्स लेके आया हूँ कल, देख लिया ये लेके आए थे, इसमें से भैया बता रहे हैं बोले ना कुछ टूटी हुई ज़्यादा निकल रही हैं, पता नहीं यार क्या ये हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे मैं तो बहुत केयरफुली लेके आया था, बट अब अंदर का दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइज, ये वाली जो टाइल्स थी ना गाइज, वो उन्होंने भैया ने बताया था, मुझे लगा 5 फुट तक है, बट ये 4 फुट है ना भैया? हाँ जी 4 फुट है। तो 4 फुट के अकॉर्डिंगली इन्होंने डिजाइन बना दिया है, सही बना दिया। मतलब पहले वाली टाइल्स थी ना उससे मच बेटर है, इससे भी अच्छा हो सकता था जो ग्रे वाली थी, बट कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये इन्होंने बना दिया। ये सेकंड थिंग ये इसके साथ भी मैच कर रही है, जो ये फ्लोर की है ना, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ करने के बाद, इसमें भी थोड़ा सा कलर ऐसा ही है और उसमें भी है, तो मैचिंग हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें पहले मुझे लगा कहीं ऐसा ना करवा ले निधि के, मतलब एक टाइल ये वाली, फिर एक कल्चर, फिर एक टाइल, फिर एक कल्चर, बट नहीं, निधि ने यही बताया, मैंने उसको वीडियो सेंड कर दी थी सुबह। तो अब ये है, ये वाली नीचे टाइल्स लगेंगी, फिर एक ये कल्चर की आएगी, इसके ऊपर एक और ये टाइल्स ही लगेगी, मतलब कल्चर अपन सिंगल ही चलने देंगे। ठीक है यार, पहले वाले से बढ़िया है। अभी और भी टाइल्स लेके आनी है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी? 25 पेटी टोटल। चलो मैं अभी जाके ले आता हूँ। आज में ना आप ये वाला काम जरूर कर देना, ये वाली दीवार है और ये वाला, क्योंकि आज तो नहीं हो पाएंगे, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कट पिट में टाइम बहुत खराब हो जाता है। नहीं वो ठीक है, मतलब ये वाली छोड़ के आप मान लो, चलो अगर आज ये ना करो उसकी जगह ये कर दोगे, ये नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को ये बैकग्राउंड दे दो, ये दे दे। हाँ टोटल आप कोशिश ये करोगे न्यू ईयर से पहले पहले हो जाए, बस उतना कर दो, मतलब जितना भी है ये कर देंगे। हाँ जी छोड़ देंगे। ठीक है आप ये छोड़ के ना ये वाली कर देना, ये अपने को जरूरी जल्दी चाहिए। ये वाली टाइल्स जो है गाइस, ये वाली वापस कर देते हैं, इसके बदले 10 बॉक्स आ जाएंगे, बाकी आप पैसे देंगे। और ये वाली भैया, ये वाली फर्श वाली चाहिए अभी आपको? नहीं दीदी से पूछ लेता हूँ एक बार, ये वाली जो है, ये वाली टाइल, ये वाली लगवानी है कहीं? पीछे ब्राउन लगेगी ना, तो ये वाला जो है, ये जो मतलब जैसे ये रिटर्न करा दूं, हो गया ना ये काम सारा? ठीक है भैया, फिर ये वाली और रखवा देना, इसमें एक जो टूटी हुई थी वो भी रखवा देना। देख लो ये भैया ने और मैंने मिलके ये रख दिए हैं एक बार, ये 10 पेटी एक साइड पे, और जो फर्श वाली है वो भी अभी रख देते हैं। गाड़ी देखना पूरी दब गई है यार, पूरा पीछे एक ही जगह वेट हो गया ना सारा, लगता है सीट कवर वगैरह चेंज करवाने पड़ेंगे लास्ट में। अभी जो गाइस टाइल लेके आनी है ना, वो लेके आनी है 12:4, मतलब 12 उसमें वो जो होंगी जो यार टाइल्स होती है, और 4:4 उसका होना चाहिए जो कल्चर है। टोटल 6 पेटी लेके गया था, अभी अपने को 25-30 पेटी चाहिए हैं, और उसमें रेशो रखना है अपने को 3:1, मतलब 3 टाइल लग रही है वो वाली और एक कल्चर वाली। मेरी सीरियसली पता, अभी मैं लेट हो जाऊंगा, इसकी जरूरत है दीदी, वैसे मैं चाय पीता नहीं, बाय द वे थैंक यू। चाय है पता नहीं कौन सी है, माचा मूचा करके है, काफी लोगों को पसंद आया, मतलब ठीक है, मुझे भी अच्छी लगी। उसके फ्लेवर्स हैं जैसे होते हैं ना, अलग से मसाले डालते हैं, ये भी अच्छी है। 1250 मतलब आपने उसका भी वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ। था ठीक है चलो, बाकी एक बॉक्स रह गया, वो मैं आपको ना दे जाऊंगा, जैसे वो क्रैक वाला लीजिए भैया, इसमें काट दीजिए।
ठीक है, थैंक यू भैया। एक कंबल दे रहा हूँ मैं, एक भैया है उनको, ठीक है, ध्यान रखना सर्दी से अपना, ठीक है, ओके ओके। चलो ये आ चुके हैं अपनी 22 पेटियां, आप चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी क्या है, 4:30 हो चुके हैं, फाइनली टाइम हो रहा है, लेबर भी जाने वाले, बस टाइल उतरवा देता हूँ, आज इतना ही काम होगा। चलो भैया ये वाले टाइल्स, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें ना रेशो उन्होंने कम रखा है, तो आप बाहर वाले कमरे में इसमें तो कंटिन्यू ऐसे ही रखना, और बाहर वाले कमरे में वो कर देना 1:1। क्या होगा, मैं टाइल्स वगैरह सारी ले आया हूँ, अब क्या है बस काम है, काम मतलब अभी भैया ना ये वाली दीवार कर रहे हैं, आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ये कम्प्लीट हो जाएगी, पूरा रूम एज इट इज रखेंगे, और पीछे वाला जो रूम है वहां एडजस्ट कर लेंगे, 1:1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देता हूं, मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, कुछ खाना वाना खा लेता हूं। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।